आपने अक्सर सुना होगा कि गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। ऐसे हादसे के बाद लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यह अक्सर हादसा पेट कई बार एक्सपायरी डेट का सिलेंडर लोगों को दे दिया जाता है और यह हादसे का कारण बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि सिलेंडर मिलते ही पहले यह चेक कर लें कि आपके गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट क्या है। आपको नहीं पता है कि एक्सपायरी डेट कैसे चेक करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप एक नज़र में चेक कर सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले अगर आप एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हमने पहले एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड कई वीडियो बनाए हैं, आप आई के आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहां पे सिलेंडर को देखने के बाद यहां पे आपको तीन पट्टी नज़र आएंगे जहां पे रेगुलेटर लगाया जाता है। वहां पे उस पट्टी पे लिखा हुआ रहता है, जैसे ए बी सी डी ये लिखा हुआ रहता है, और उसके बाद वहाँ पे ये अंक लिखा हुआ रहता है, जैसे 17, 18, 19, 20, इनमें से कुछ हो सकता है। अगर 20 है तो 2020 जो ईयर चल रहा है वो है, 19 लिखा हुआ है 2019 का सिलेंडर है वो, और 18 लिखा हुआ है तो 2018 का वो सिलेंडर है। अगर 17 लिखा हुआ है तो 2017 का सिलेंडर है, ये ईयर का लिखा हुआ रहता है। और ये बी सी डी ए लिखा हुआ है, ये पूरे साल का जो मंथ होता है वो पूरे मंथ को इसमें डिवाइड किया हुआ है। अगर देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपके सिलेंडर में, तो समझिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीन मंथ के लिए आपके सिलेंडर यूज करने के लिए है। अगर मार्च के बाद इस सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो ये लीकेज की संभावना बढ़ जाती है और ब्लास्ट भी हो सकता है। यहाँ पे एक मंथ तक चल सकता है सिलेंडर। अगर एक मंथ के बाद अगर ज़्यादा उपयोग करते हैं, चार मंथ से ज़्यादा उपयोग करते हैं, ये सिलेंडर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपके सिलेंडर में बी लिखा हुआ है तो अप्रैल, मई, जून तक इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे जुलाई जाता है वैसे ही ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाते हैं, और इसका उपयोग आप अगले एक मंथ तक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इससे ब्लास्ट भी हो सकता है। आपको हम बता चुके हैं कि बहुत सारे परेशानियां हो सकता है। उसी तरह से अगर सी लिखा हुआ है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीन मंथ के लिए होते हैं, और डी लिखा हुआ है तो ठीक उसी तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए होता है। मतलब एक सिलेंडर का एक्सपायरी डेट, मतलब जो उसका डेट होता है वो तीन मंथ के लिए होता है, और तीन मंथ के बाद अगर आप उस सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस तरह से आप एलपीजी गैस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। ये सिलेंडर कोई भी हो सकता है, जैसे एचपी, हिंदुस्तान या इंडियन, इन तीनों सिलेंडर का भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इन तीनों सिलेंडर में ये सारा कुछ दिया हुआ रहता है और आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय।